मोबाइल आया तो उसने बहुत सारी चीजों को खत्म कर दिया। मोबाइल आया, कैमरा खत्म हो गया। बोलो सही है कि गलत है? अब कैमरे का प्रयोग, कोई कैमरा टांग के चलता है क्या? बस मोबाइल निकाला और कैमरे से, मोबाइल से फोटो खींच लिया। मोबाइल आया, कैमरा खत्म हो गया। मोबाइल आया, MP3 खत्म। पहले लोग CD लगाते थे, कैसेट लगाते थे, फिर गाने सुनते थे। अब मोबाइल आया तो MP3 खत्म। अर्थात गाना सुनना है तो कोई को बक्से वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मोबाइल पर सुन लेता। मोबाइल आया, कैमरा खत्म हो गया। मोबाइल आया, MP3 खत्म हो गई। मोबाइल आया तो कैलेंडर, जिससे लोग तारीख देखा करते थे, वो कैलेंडर भी खत्म हो गया। मोबाइल आया तो ये घड़ी भी खत्म। अब लोग टाइम देखते हैं तो मोबाइल का बटन दबा के देख लेते कितनी बज रही है। मोबाइल आया, कैमरा खत्म हो गया। मोबाइल आया, MP3 खत्म हो गई। मोबाइल आया, कैलेंडर खत्म हो गया। मोबाइल आया तो घड़ी खत्म हो गई। और मोबाइल पत्नी के हाथ में आया तो तुम खत्म। केवल कैमरा खत्म नहीं हुआ है, केवल घड़ी खत्म नहीं हुई है, केवल कैलेंडर खत्म नहीं हुआ है, केवल MP3 खत्म नहीं हुआ है। जिस दिन भूल से अगर मोबाइल पत्नी के हाथ में आ गया, फिर तो दतिया वाली माता ही बचा ले तो बचा ले तू, बाकी के। फिर तो तुम लोगों को आरती गाना पड़ेगी, तेरे भक्त जनों पे भीड़ पड़ी है भारी। फिर तुमको आरती गाना पड़ेगा, बहुत भीड़ पड़ गई है, बहुत तकलीफ हो गई है। शिव कथा कह रही है।